व्यवसाय शुरू करने की वजह ये थी कि मेरे पास ऑर्गेनिक में फसल कर रहा था मैं पिछले 10 सालों से, जिसमें मैं कोई भी किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी कीटनाशक स्प्रे इस्तेमाल नहीं करता, कोई टॉनिक केमिकल वाला यूज़ नहीं करता। तो मैं पूरा ये खेती करता वो गौ आधारित है। मेरे पास 2-4 गाय है, छोटे बच्चे है, उनके गाय के गोमूत्र से, दूध, गोबर से, इन्हीं से मैं खेती करता हूँ। तो सोचा कि फसल हमेशा मैं शुगर फैक्ट्री को दे देता था, तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ बन सकता है मार्केट में, अच्छा चीज़ है हमारे पास तो लोगों को देना चाहिए, इसका डिफरेंट क्वालिटी है तो डिफरेंट ही देना चाहिए। तो मैंने गुड़ का प्रयोग किया और गुड़ बनाना इस साल से शुरू किया। तो आप जो गुड़ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वो गुड़ हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, जो हमारे पुरखों से 150-150 सालों से पहले बनाते हैं वही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि गुड़ की क्वालिटी अगर आपको ज़्यादा दिन तक चाहिए, गुड़ 10-10 साल तक, 20-20 साल तक लोग रखते थे और हम भी रखेंगे, हमारे दोस्त लोग भी पिछले 10 सालों से, 5 सालों से गुड़ है उनके पास, तो वो जो क्वालिटी है जो वो पुराने तरीके से ही मिलती है। तो हम पुराने तरीके से ही करते हैं, जिसमें एक 10-12 फीट की कढ़ाई रहती है, एक क्रशर रहता है, भट्टी रहती है, उसी पुराने तरीके से मैं गुड़ बनाता हूँ। जो हमारी फसल शुगर फैक्ट्री को जाती थी तो उसका 2-2.5 हज़ार तक पर टन का रेट हमें मिलता था। मैंने पहले ही साल शुरू किया है, तजुर्बा कम है, फिर भी मैंने कोशिश की और मेरा पूरा खर्चा निकाल के 1 टन गन्ने का मुझे 5,000 रुपये मिल रहा है, यानी दुगना मिल रहा है। मैं इसमें पूरी तरह से काम करूंगा तो ये 10,000 तक जा सकता है 1 टन का रेट मेरा। तो गुड़ व्यवसाय के तुम मार्केटिंग कैसे करते हो? जो गुड़ बनाया है मैंने उसके लिए तो जो हमारा महाराष्ट्र में एग्रोन पेपर है, उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स ली थी। तो उन्होंने 5 सितंबर 2018 को मेरा जो पूरा मेरा जो मैंने बनाया है खेती का मॉडल वो दिखाया था 5 सितंबर पेपर में। तो वहाँ से मुझे बहुत से कॉल आए और मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, तो बहुत से कांटेक्ट थे मेरे, जो लोग मुझे मिले थे उन सभी को मैंने भेज दिया था कि मैं ऐसा ऐसा बना रहा हूँ। तो उन लोगों को भी मुझे बहुत अच्छी मदद मिल रही है और मैं खुद सोलापुर, पुणे और बम्बई शहर में घूमता हूँ। मेरी छोटी सी गाड़ी है जिसमें पूरे एडवर्टाइज़ किए मैंने, वो गाड़ी मेरे साथ रहती है। जो जो लोग दुकानदार ऑर्गेनिक में काम करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें बेचते हैं, उनके पास मैं जाता हूँ। एक दूसरे की मदद से, माउथ पब्लिसिटी से मेरा बहुत अच्छा परिचय लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं होम डिलीवरी भी देता हूँ, जैसा मुझे बन पाता है मैं कर रहा हूँ। नया है, तजुर्बा नया है, फिर भी मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा। उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा तो लेबर की आती है, दूसरी मार्केटिंग की है। मार्केटिंग में क्या चल रहा है आज, सच्चाई कम और झूठा बात ज़्यादा चलती है। तो नॉन केमिकल गुड़ या ऑर्गेनिक का भाव खा रहा है, लोगों को मालूम नहीं नॉन केमिकल क्या है और ऑर्गेनिक क्या है। नॉन केमिकल गुड़ को या ऑर्गेनिक समझते हैं वो मिलता है 30-40 रुपये। नॉन केमिकल यानी क्या रहता है, तो गुड़ बनाने के प्रोसेस में केमिकल जो यूज़ किया जाता है आज 80-90% तक, तो प्रोसेसिंग में केमिकल यूज़ नहीं करते, पर उसका गन्ना जो रहता है वो पूरा केमिकल वाली फसल ही रहती है, जो जिसका रस निकाल के गुड़ बनाते हैं। तो वो प्रोसेसिंग में खाली केमिकल नहीं रहता, नॉन केमिकल रहता है, तो लोगों को वही गुड़ लगता है ऑर्गेनिक है। और हमारा क्या है, तो हमारी फसल ही पूरी ऑर्गेनिक में है। 10 सालों से हमने 1 ग्राम भी कोई रासायनिक खाद इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये फसल में रासायनिक खाद नहीं है, गन्ने में ही कोई नहीं है, प्रोसेसिंग में नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। जिससे तुमको, आप लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं गुड़ के, जो 28 रोगों में काम करता है गुड़, तो वो बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो गुड़ ऑर्गेनिक ही चाहिए, नेचुरली गुड़ चाहिए। जो हमारे आयुर्वेदा ने बताए बेनिफिट गुड़ के, वो नेचुरल गुड़ से ही आपको मिलेंगे। जो गन्ने में हम इस्तेमाल करते हैं, फसल में, खेती में इस्तेमाल करते हैं केमिकल, हमने अगर समझो 2018 में केमिकल बंद कर दिया तो 2021 तक हमारे मिट्टी में वो केमिकल रहता है और फसलों में हमारे मुंह तक आ जाता है। तो केमिकल वाला गुड़ गन्ना लेंगे और नॉन प्रोसेसिंग में केमिकल नहीं इस्तेमाल किए, तो 100% रहा, 50% तो केमिकल खा ही रहे हैं।
ये रहा पूरा हमारा 10 सालों से तजुर्बा है। इसकी टेस्ट अलग रहती है, खाते समय पता चल जाता है। गुड़ एक बार खा लिया तो दूसरी बार खाने का मन करता है। जैसे एक आध बच्चा चॉकलेट एक बार खाया तो उसका मन नहीं भरता, दूसरी बार खाने की इच्छा करता है। मैंने जिन जिन को गुड़ सैंपल के लिए दिया, दोबारा उन्होंने ज़रूर मुझसे मांगा। 1 किलो जिसको गुड़ दिया मैंने, वो 10 किलो की डिमांड कर रहा है। नेचुरल चीज़ गुड़ ही नहीं तो कोई भी हो, उसकी मिठास अलग ही रहती है। अभी खाली तो मैं मेरे खेत का ही गन्ना इस्तेमाल करता हूँ, मैंने बाहर किसी से गन्ना नहीं लिया। और आगे जाके जो किसान मेरी तरह ही कर रहे हैं खेती ऑर्गेनिक में, और मार्केट नहीं कर पा रहे या कोई बदलाव नहीं ला रहे, उनको एक ज़्यादा ग्रोथ मिलने के लिए या उनकी फसल की कीमत बढ़ाने के लिए मैं उनका ही गन्ना अगले साल लेने वाला हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में हो या बाहर कोई भी हो, जिसको ज़रूरत चाहिए, जिसको अच्छा माल चाहिए, 2 रुपया ज़्यादा रेट लगेगा हमारा, पर अच्छा माल मैं ज़रूर दूंगा। जो हमारी गाय है उसको हम माता बोलते हैं, तो माता बोलने का मतलब है कि जो उसके पास पूरे गुण है वो हमारे हमारे खेती के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सब कुछ उसके पास है जो गाय दे सकती है। मेरी खेती पूरी गो आधारित है, मैं मेरे खेत के बाहर की कोई भी 1 रुपए की चीज़ अंदर नहीं लाता खेती उपजाऊ करने के लिए। जो मेरे गाय का गोबर है, गोमूत्र है, गाय का निकलने वाला दूध है, दूध से ताक बना छाछ बनाता हूँ, छाछ ही स्प्रे होती है, गोमूत्र स्प्रे होता है, गुड़ गुड़ का स्प्रे करता हूँ मैं। और इसमें मेरा क्या होता है तो एक खाद मिलता है, दूसरा संजीवक मिलता है, और तीसरा कीटनाशक का काम करता है, कीट नियंत्रण का भी काम वो करता है। तो मुझे आज गन्ने का हाईएस्ट एवरेज 80 टन पर एकड़ में मिला है। जो केमिकल की खेती से मिलना मिल जाता है, फिर भी बहुत मुश्किल से मिल जाता है, और उसमें खर्चा जो है तो बहुत है। और एक बात है कि गोवा आधारित खेती किया, तो मैं जब खेती शुरू शुरू किया 2009 में, तो उस टाइम मेरा ऑर्गेनिक कार्बन था 0.30, आज है 1.5 10 सालों में। तो ये ज़मीन पूरी तरह से सजीव बन रही है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। इसके विपरीत केमिकल वाली खेती में ये रहता है कि धीरे 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 उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होता है। जैसे ये हमारे शरीर में हमारा हृदय काम करता है, उस तरह से ऑर्गेनिक कार्बन खेती में काम करता है। इससे मैं जब मेरे बेटे के हाथ में खेती दूंगा तो उपजाऊ होगी, केमिकल वाली को दूंगा तो वो नापिक हो जाएगी। उसके वो जब खेती करने शुरू करे उसमें आएगा ही नहीं कुछ।